Hello viewers, welcome to Frontline Video. Today our guest is Mr. Sanjay Singh, Rajasabha MP from our, our party. He has come out of bail uh, this month after uh, being uh, behind bars for six months in this liquor scam case. So we'll be speaking to him about the case, about the unfolding political scenario in the country in wake of 2024 elections, and what are prospects of his party in Delhi, the prospects of India Alliance across the country. Sanjay ji, uh, swagat hai aapka. नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार संजय जी ये अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बड़ी ही दिलचस्प विवाद देख सुनने को आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में हैं उन्होंने वो आम खा रहे हैं और वो आम इसलिए खा रहे हैं कि वो अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं ताकि बेल मिल जाए ऐसा आरोप है भाजपा का तो भैया आम आदमी पार्टी का यह आम प्रेम क्या है <laughs> देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश है और आ, वो आज इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज़ के लिए डायबिटिक कोई भी पेशेंट है उसके लिए सबसे आवश्यक दवा होती है जिस इंसुलिन पे वो पिछले 20-22 साल से चल रहे हैं और देश के जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट होंगे उनको ये पता होगा कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है जेल के अंदर उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो उनका शुगर लेवल 45 तक पहुंच गया था आप जानते हैं शुगर के मरीज का कभी शुगर हाई होता है कभी अचानक डाउन होता है जब डाउन होता है तो उनको मीठा खाना पड़ता है ये किसी सामान्य डॉक्टर से भी आप पूछेंगे बता देंगे पता नहीं क्यों बदनाम करने पे लगे हुए अरविंद केजरीवाल को और मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूं जो आपके दर्शकों को और पूरे देश को पता होना चाहिए ये तो मैंने अपने घर में नहीं लिखा यह तो माननीय कोर्ट का ऑर्डर है उसके बावजूद बीजेपी वालों की हिम्मत देखिए कि वो खुलेआम जो है वो प, प, कामना कर रहे हैं जस्ट मना रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीमारी का जेल अथॉरिटीज इट मींस डिस्पेंसरी जेल हॉस्पिटल द जेल सुपरिंटेंडेंट कंसर्न इज ऑल्सो हियर बाई डायरेक्टेड टू प्रोवाइड द एक्यूज अप्लीकेंट विथ ईसप गोल ग्लूकोज टॉफीज बनाना एज एंड वैन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सडन फॉल ऑफ हि शुगर लेवल ये तो लिखा हुआ है साफ साफ कोर्ट के ऑर्डर में ये तो मैंने अपने घर पे तैयार नहीं किया आपने और ईडी की हिम्मत देखिए कि उसी कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब ये केला खा रहे हैं आम खा रहे हैं टॉफ़ी खा रहे हैं इसलिए इनकी शुगर बढ़ रही है जमानत लेने के लिए आप आपने एक और बात कही कि तो मैं फिर यही दोहरा रहा हूँ इस बात को कि ये एक गहरी साजिश है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की आप, कोई भी डायबिटिक पेशेंट होगा उससे आप पूछिएगा शुगर लेवल जब डाउन होता है तो उसको तुरंत कोई ना कोई मीठी चीज खानी होती है जी जी इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोस टॉफीज बनाना तो आपने जब ये कहा कि उनके खिलाफ अड़तालीस अब, अब सुनिए आप अड़तालीस बार उनको का उनका कुल खाना गया है अड़तालीस बार में एक बार प्रसाद के तौर पे आलू पूड़ी गई है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना साजिश कि अड़तालीस बार में एक मील को आप मुद्दा बना रहे हैं दो या तीन बार आम गया है तो मेरे ख्याल से इनका इंटेंशन जांच करना है ही नहीं है इनका इंटेंशन तो अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में रख के प्रताड़ना देना है उनके मनोबल को गिराना है उन पर झूठे आरोप लगाना है उनको बदनाम करना है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है आप जब ये कहते हैं कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है तो आपको क्या डर है जैसे आपका बयान हमने देखा आपने कहा कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्प्रेसी हो रही है क्या सं, संदेह क्या है आपको ये मैंने तब भी कहा था जब मैं खुद कस्टडी में था जी आपको याद होगा क्योंकि जिन लोगों से इस समय हम लोग लड़ रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं देश के गृहमंत्री डायबिटिक हैं देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायबिटिक हैं क्या हमने कभी उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया क्या उनको पता नहीं कि उनको कब इंसुलिन लेना पड़ता है कब अपनी पार्टी के लोग जो आज अरविंद केजरीवाल का की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं उनको रोका उन्होंने यही आपका आचरण है यही सिखाया जाता आर की शाखा में यही यही सभ्यता आप लोगों ने सीखी है यही हिंदू धर्म की शिक्षा है कि किसी की मरने की कामना करो किसी की बीमारी का मजाक उड़ाओ यही आपकी भारतीय संस्कृति है अच्छा हम तो जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं कि दुश्मन को भी अगर बीमारी हो जाए तकलीफ हो जाए कष्ट हो जाए तो उसके लिए कामना करनी चाहिए प्रभु से कि वो स्वस्थ हो। जी जी आप हमसे राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना में इस कदर बढ़ गया है कि केजरीवाल की बीमारी का पूरी पूरी दिल्ली के भाजपा के नेता जितने हैं वो सब राष्ट्रीय नेता इनके मजाक उड़ा रहे हैं अच्छा सिंह साहब ये बीमारी और आम के अलावा एक बड़ा मुद्दा गंभीर मुद्दा है जैसे जो बार बार बीजेपी या और भी लोग उठा रहे हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर जेल में है एक करप्शन केस में तो वो रिजाइन क्यों नहीं करते हैं उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ केस हुआ उन्होंने झारखंड में रिजाइन कर दिया आपके भी दो मंत्री पहले सत्यन्द्र जैन और मनीष सिसोदिया जी पर केस हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था तो ये जेल से जो सरकार चलाने की बात है वो कितनी लॉजिकल लगती है आपको कैसे ये ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे पहली बात तो ये जेल एक बेबुनियाद और झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है और अगर ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो देश के अपोजिशन की कोई सरकार नहीं बचेगी कल को आप भगवंत मान पे दो फर्जी केस करेंगे उनको जेल में डालेंगे इस्तीफा दो स्टालिन इस पे दो फर्जी केस किया जेल में डाला इस्तीफा दो विजयन पे दो फर्जी केस किया जेल में डाला इस्तीफा दो सिद्धारमैया रेवंत रेड्डी ममता बनर्जी सबके साथ आप यही करेंगे आपका मकसद कोई जाँच करना तो है नहीं आपके पास कोई प्रमाण तो है नहीं न केजरीवाल जी के घर से एक रुपये बरामद हुआ न मनीष सिसोदिया के घर से एक रुपये बरामद हुआ न कोई संपत्ति मिली न कुछ मिला आपने उठा के जेल में डाल दिया किसके बयान पे राघव रेड्डी मंगूटा रेड्डी उन्होंने कुल आठ बयान दिए दस बयान दिए आठ बयान में बाप बेटे ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया दो बयान में नाम लिया जैसे ही नाम लिया वैसे ही बेल मिल जाती है उनको शरद रेड्डी का बयान जिसको खुद किंग पिन कहा ई ने बारह बयान उसने दिए बारह बयान में दस बयान में उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया और अंतिम के दो बयान में जैसे ही उसने केजरीवाल का नाम लिया उसको बेल मिल जाती है कमर दर्द के नाम पे बेल मिली है उसको आप बताइए मुझे ये इन्वेस्टिगेशन है इनकी दो साल के अंदर आपने चार सौ छप्पन गवाह तैयार किए ई डी ने मात्र चार गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और किन परिस्थितियों में लिया मैं आपको बता रहा हूं पहले अरेस्ट फिर लंबे समय तक जेल फिर स्टेटमेंट फिर बेल फिर अप्रूवर ये एक जो परसेप्शन जाता है कि जैसे केजरीवाल साहब जेल में हैं हेमंत सोरेन जी भी जेल में हैं बेल मिलने में जो देरी दि हो रही है लगातार जैसे Uh, काफ़ी दिन हो गए सिसोदिया जी को जेल में गए हुए सदन जैन जी को जेल में गए हुए तो कहीं ना कहीं परसेप्शन जाता है कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता ये देखिए ये तो, हाँ इसका मैं क्लियर कर दे इस जरह करप्शन टेंट क्या आपको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है ये एक इसको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मैं विस्तार से बताता हूँ पहली चीज़ तो ये कि पी का जो कानून है उसकी जटिलताएँ हैं इतनी ज़्यादा कि उसमें बेल मिला बिलना मुश्किल होता है और संजय रावत का केस पढ़ लीजिए आप मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा अनिल देशमुख का केस आप देख लीजिए बिना किसी आधार के भी लंबे समय तक आप किसी आदमी को पी में जेल में रख सकते हैं उसमें जो बेल मिलने की कंडीशन है वो अपने आप में इतनी जटिल है और उस पर भी अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जब फैसला आएगा तो शायद इसमें सहूलियत मिले लेकिन बेल न मिलने का मतलब ये नहीं कि वो दोषी हो गए आपने क्या तथ्य और सबूत जुटाए ये तो बताइए आप देश को आप जो अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं क्या आपने वहाँ पे अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और वहाँ रख लिए बीस हजार पन्ने इन्होंने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं पता नहीं कितने डिजिटल डाटा अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं यानी जो बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं है उसको अनरिलाइड मान के उसको आपने छिपा लिया कोर्ट के सामने रखा ही नहीं तो जब कोर्ट के सामने पूरा सच आएगा ही नहीं तो कोर्ट कैसे फैसला देगा आपने सेलेक्टिव बयान उठाया उसको कोर्ट के सामने रखा फिर आदमी को अप्रूवर बनाया बेल दे दी या आपने चलन अपनाया आप, आपने आपने पूरा तथ्य क्यों नहीं रखा मैं तो पूछ रहा हूं बारह बयान क्या जो शरद रेड्डी के लिए गए वो बारह के बारह बयान हैं क्या कोर्ट के सामने नहीं दस बयान जो मंगुंटा रेड्डी राघव रेड्डी के लिए गए वो दस के दस बयान कोर्ट के सामने है क्या नहीं सिर्फ दो सेलेक्टिव बयान है आप तो, तो, तो मंगुंटा रेड्डी आज कौन है वो टीडीपी का कैंडिडेट है मोदी की फोटो लगा के वो वोट मांग रहा है आपके काउंसिल ने ये बातें कोर्ट के सामने रखी एकदम रखी और क्या कोर्ट तो का एक कोर्ट ने अभी इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है इंस्पेक्शन में ये सारी बातें निकल के आ रही मार्च में ही तो दिया है कोर्ट के सामने जब और आपको एक बात और बता दूं आप जब ये पूछा गया कोर्ट से कि भैया कोर्ट से कोर्ट के सामने वकीलों ने कहा कि ईडी ने अभी तक हमको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध कराया है कि कितने कागजात उनके पास हैं जो वो कोर्ट के सामने नहीं लेकर आए कितने कागजात अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में हैं आपको मालूम है तीन सौ अस्सी दिन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके कैमरे पे तीन दिन लिस्ट प्रोवाइड करने में ईडी को लग गया 380 दिन के बाद बताया कि ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है या अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है देखिए ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं आप आपको मालूम है सेक्शन 50 जो है उसके प्रावधानों के तहत कोई भी गवाह झूठा बयान दे ही नहीं सकता तो जब आप और ये कहा जाता है कि ये वन के बयान के बराबर है और अगर आपने झूठा बयान दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आपने अगर 12 स्टेटमेंट दिए सेक्शन 50 के अंदर दस स्टेटमेंट बाप बेटे के लिए तो वो सारे स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं रखे अच्छा संजय सिंह जी ये तो एक लीगल बैटल है आप लोगों के लिए ये तो अलग बात होती है लेकिन आप राजनीति में हैं और आम आदमी पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ जो इमरजेंसी हुआ वो एंटी करप्शन मूवमेंट पर हुआ तो इस तरह जब आपके तीन चार नेताओं के खिलाफ करप्शन केस है वो जेल में है तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो एक एंटी करप्शन इमेज थी तो वो डेंट हो रही है तो करप्शन करेंगे तब जेल में होंगे तब उसके कारण शर्मिंदा भी होना पड़ेगा उसके कारण कार्रवाई भी होनी चाहिए लेकिन करप्शन किया नहीं झूठा केस बनाया गया जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि इनकी पार्टी को खत्म करना है तब तो हम इनसे लड़ेंगे ना आप अरविंद केजरीवाल को भाजपा क्या सिखा रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आई की नौकरी छोड़ी अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने उनचास दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया लेकिन अगर आपका उद्देश्य यह है कि फर्जी मुकदमे बनाओ जेल में डालो और इस्तीफा लो फिर तो आपसे लड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी कैसे बोलते हैं बीजेपी कैसे बोलती है और कैसे बोल सकती है और नैतिकता की बात आप कैसे कह सकते हैं आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जिन्होंने बिजली दिया पानी दिया शिक्षा दिया स्वास्थ्य दिया बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा दी माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी फ्री बिजली फ्री पानी दिया उसका तो इस्तीफा चाहिए आपको और मणिपुर जो एक साल से चल रहा है वहां कुछ नहीं होना चाहिए उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए जिसके राज में एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया आज भी वहां हिंसा हो रही है उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ उसको माला पहना के कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं भाजपा वाले गृह राज्य मंत्री देश का अजय मिश्रा टेनी उसके बेटे ने चार किसानों को कुचल के मार दिया उसका इस्तीफा हुआ पहलवान बेटियों को न्याय मिला हमसे इस्तीफा मांग रहे हो आप और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आपने मोदी वॉशिंग मशीन 2014 के बाद जो चलाई है सारे भ्रष्टाचारियों को तो आप साफ साफ करके निकाल रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको बीजेपी में शामिल करने की मोदी जी की गारंटी है पर आम आदमी पार्टी के और भी बड़ी पार्टियां हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का खाता क्यों सींच किया हेमंत हेमंत सोरेन को क्यों अंदर किया क्यों शरद पवार के पोते पे मुकदमा किया क्यों तेजस्वी यादव और आ, उनके परिवार को हर दिन प्रताड़ित किया जाता है रोज सीबीआई बुलाती है आप बताइए ना तो ये जो एक्शन क्यों क्यों ममता बनर्जी और उनके भतीजे और उनके मंत्रियों को रोज उनके खिलाफ कार्रवाई होती है क्यों अब अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस मिलता है आपको तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारा एक्शन हो रहा है उससे आपकी पार्टी हो या बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हो और मजबूत हो रही है मजबूत हो रही है या कैंपेन क्या और मजबूत होगी और मजबूत हो रही है और देश की जनता को ये पता चल रहा है कि एक तानाशाह हुकूमत है इस देश के अंदर इसको हटाना ज़रूरी है वरना लोग अपने घरों के अंदर बैठे रहेंगे ये लोग घुस घुस के मारपीट करेंगे ऐसी परिस्थिति पैदा होगी इस देश के अंदर ये कोई मैं खाली भड़काने की बातें नहीं बोल रहा हूँ ये लोग कह खुलेम कह रहे हैं हमें संविधान बदलना है संविधान बदलना है लल्लू सिंह इनके अयोध्या के सांसद वो कह रहे हैं ज्योति मिर्धा कह रही हैं अरुण गोविल जी कह रहे हैं अनंत थेगड़े जी कह रहे हैं खुलेआम कह रहे हैं मैं 400 सीट दीजिए संविधान बदलना है इसका मतलब देश में आरक्षण खत्म होगा तो क्या देश भिष्पक्ष? के अंदर किसानों को का हक नहीं मिलेगा महंगाई बढ़ेगी कुछ आप कर नहीं पाएंगे सरकारें जब तक के चाहेंगे कहते तो ये लोग कि हम पचास साल राज करेंगे तो देखिए इस देश के लोगों के लिए संविधान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा भाजपाइयों के लिए संविधान जो है जो नागपुर लिखता है वो नागपुर का संविधान मानते हैं इसलिए देश को सावधान होने की जरूरत है नहीं तो ये मुद्दे जब उठाते हैं तो क्या को लगता है कि ये ग्राउंड पे रेजोनेट कर रहा है और 2024 के चुनाव में पैंतालीस साल होता, होता सबसे बड़ी बेरोजगारी हम लोग झेल रहे हैं दो लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है पंद्रह लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया तीन लाख तिरपन हजार करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे माफ कर दिया पूंजीपतियों का नीरव मोदी बीस हजार करोड़ लेके भाग गया विजय माल्या दस हज़ार करोड़ लेके भाग गया नितिन संदेशरा छः हज़ार करोड़ लेके भाग गया ललित मोदी तीन हजार करोड़ लेके भाग गया कोई कार्रवाई करते हैं ये लोग एक तो ये सारे जो मुद्दे आप उठा रहे हैं तो उसके बाद भी अपोजिशन पार्टीज में एक जो है साथ आने का वो जो मादा जो है जो एक डेडिकेशन है वो उस हिसाब से दिखता नहीं है जैसे देखिए आपकी पार्टी का कांग्रेस से अलायंस है दिल्ली में पंजाब में आप कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही है लेफ्ट इंडिया में अलायंस में है केरला में आपस में वो फाइट कर रहे हैं और ये स्टेट इलेक्शन नहीं है लोकसभा इलेक्शन है बंगाल में वो अलायंस हो नहीं पाया ममता बनर्जी एक प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर तो क्या आपको लगता है ये जो कंट्राडिक्शंस हैं देखिए कंट्राडिक्शंस होंगे और डेमोक्रेसी में मतभेद होना ही चाहिए नहीं तो फिर तो तानसाई हो जाएगी हमारे दल अलग अलग हैं हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं हमारे बीच में मतभेद भी होंगे लेकिन उसके बावजूद कैसे हम अधिकतम एक साथ रहकर इनका मुकाबला कर सकते हैं उस बात की कोशिश हम कर रहे हैं उस बात का प्रयास हम कर रहे हैं और कई जगहों पे इंडिया अलायंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है दिल्ली में हम अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं बिहार में लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और आप देखिएगा इस बार इनका सफाया होगा लोग महंगाई से बेरोजगारी से परेशान हैं बुरी तरीके से आज बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई ये इसको एड्रेस नहीं करते आप देश की जनता को कब तक गुमराह करके रखना चाहते हैं आप पर कैपिटा इनकम के मामले आप कहते हैं हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है पर कैपिटा इनकम में तो आप एक स्थान पर हैं तो कौन सी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आपने देश के लोगों का कितना भला किया देश के बयासी करोड़ लोगों को आप पाँच किलो राशन पर जिंदा रखना चाहते हैं और अपने दोस्तों को तो आप कोयला से लेके स्टील से लेके आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ उसके नाम कर रहे हैं ये क्या देश के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है इस समय की जो परिस्थिति है इसमें आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा इनके नारे वारे का कोई असर नहीं है और हमेशा झूठ बोलने में मास्टरी है इन लोगों को बंगाल में बोले थे 200 पार आई 77 दिल्ली में बोले थे 45 पार आई 8 मिजोरम में बोले थे 21 पार आई एक हरियाणा में बोले थे पचहत्तर पार आई चालीस कर्नाटक में बोले थे एक सौ तीस पार आई साठ पैंसठ तो ये तो अच्छा संजय जी आप इंडिया अलायंस की मीटिंग में लगातार शिरकत करते रहे हैं आपको क्या लगता है क्या और बेहतर किया जा सकता था या या अभी क्या और बेहतर किया जा सकता है है मुझे लगता कि सीट शेयरिंग का जो हम लोगों ने फार्मूला तय किया उसको थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था एक अक्टूबर तक ये चीज़ फाइनल हो जानी चाहिए थी उसमें थोड़ा समय ज़रूर लग गया लेकिन उसके बाद सब लोग इकट्ठा होकर अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं आपने एक सॉलिडेरिटी एकता की बात की है तो आम आदमी पार्टी का जब से सीजन हुआ कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गए लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उनमें से कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया मैंने बयान देखे जोगेंद्र यादव जी के देखे और भी बयान देखने जाता हूँ कि आपको लगता है कि ये आवर ऑफ़ क्राइसिस है आम आदमी पार्टी के लिए तो इसमें जो पुराने लोग छोड़ गए हैं उनको वापस आना चाहिए या किसी तरह का इस तरह का इनिफिकेशन मूव हो सकता है देखिए उन्होंने बयान दिया निश्चित रूप से उनका धन्यवाद है और उन्होंने जो सही बात थी उसको सामने रखा और जब एक पूरे देश के सामने ही क्राइसिस है जो एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट है तो उसमें वो लोग बोले इसके लिए बहुत आभार आपको क्या ऐसा लगता है कि इस तरीके से जो केसेस हो रहे हैं आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ में तो बहुत सारे नए या या यंग लीडर जो है पार्टी छोड़ के जा सकते हैं काफ़ी बीच में स्पेकुलेशन था राघव चड्ढा जी को लेकर नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि ये आपके हाथ में होता है जी इतिहास में दो तरीके से आप याद किए जाते हैं कायर के रूप में और बहादुर के रूप में और ये दोनों आपके हाथ में होता है आप कैसे चाहते हैं कि आपको याद किया जाए कायर के रूप में या बहादुर के रूप में तो समय के हिसाब से ये चीज़ें तय होंगी आज संकट है पार्टी के ऊपर सारे लोगों को साथ में खड़े रहना चाहिए और जो खड़ा हो रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं जो नहीं खड़ा हो रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं जो पार्टी छोड़ रहा है उसको भी देख रहे हैं बाकी पार्टी ऐसे संकट के समय में मुझे लगता नहीं कि कोई छोड़ेगा एक राजकुमार आनंद Uh, को छोड़ के अभी तक ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं आया और पंजाब में एक जो हमारे सांसद थे और विधायक थे वो गए लेकिन दिल्ली के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूँ जो पार्टी छोड़ के जाएगा उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है कितने लोग पार्टी छोड़ के गए आप देखिए क्या हुआ उनके साथ क्या जनता ने उनको दोबारा वोट दिया क्या वो दोबारा जीत के आ पाए नहीं आ पाए क्योंकि दिल्ली के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी में बदलाव लाया है उनकी सरकार ने काम किया है और इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और वो हमारा साथ दे रहे हैं अच्छा संजय जी जो एक्साइज पॉलिसी आपने दिल्ली में स्क्रैप कर दी वो एक्साइज पॉलिसी पंजाब में चल रही है बिल्कुल चल रही है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे देखते हैं आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वहाँ पर एक्साइज का रेवेन्यू बढ़ा है अच्छा ये पॉलिसी पॉलिसी ठीक थी लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि लैंड हमारे पास नहीं लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं और बाद में पूरी बीजेपी और एल लग गए इस पॉलिसी को पूरी तरीके से कैसे ख़त्म हो तो हमने तो कोई ठेके वेके बढ़ाए नहीं थे झूठी बातें करते हैं लोग जितने नंबर ऑफ शराब के ठेके पहले थे उतने ही दूसरे में नई पॉलिसी में थे लेकिन ऐसा प्रचारित किया कि गली गली में शराब बिक रही है ये हो रहा है वो हो रहा है तो झूठ का तो कोई आधार नहीं होता ना वो तो कोई भी बोल सकता है अभी एल साहब ने कुछ दिन पहले जो है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें दिक्कतें हैं और ऐसी कई चीज़ें वाटर स्कासिटी के बारे में भी उन्होंने कहा तो क्या क्या गवर्नेंस अफेक्टेड हो रहा है सचमुच आ... भाई आज की तारीख में अगर गवर्नेंस अफेक्टेड नहीं होने दे रहे हैं हम लोग लेकिन अगर कहीं कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो एल साहब कार्रवाई क्यों नहीं करते सर्विसेज तो उनके पास है ना कार्रवाई करनी चाहिए मंत्री तो हमारे दिन रात दौरा करते हैं जाते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते है? हमने चिट्ठियाँ भी लिखी हैं कि अगर कोई मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी मिल रही है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करो या पानी की कहीं समस्या है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करिए या संगम बिहार में या दूसरे इलाकों में जहाँ जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कीजिए तो आप कार्रवाई करते नहीं खाली मीडिया में बयान दे रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है अच्छा बीजेपी की जो रैली हो रही है जो आपकी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी आप जिसको आप अपोज़ कर रहे हैं तो वो अपनी रैलियों में कई बार राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं कितना रेजोनेट करेगा ग्राउंड पर ये मुद्दा क्या लगता है कि राम मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा देखिए राम मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना प्रभु श्री राम के प्रति देश के करोड़ों लोगों के मन में आस्था है प्रभु श्री राम के प्रति जिसके मन में आस्था है वो अपनी आस्था प्रकट करने के लिए जा भी रहे हैं लेकिन आप कोई राम मंदिर के गेट कीपर थोड़ी हैं कार्ड आप बाद में पहुंचाते हैं खबरें आप पहले चलवाते हैं तो ये जो इस बात को लोगों ने पसंद नहीं किया भाई आपने देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में इसका जवाब देगी बीजेपी और आरएसएस के लोग भागवत जी वहां पे जा सकते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जा सकती महामहिम राष्ट्रपति भारत की आप बताइए मुझे उद्घाटन के मौके पे आपने महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जब शिलान्यास था तो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी उनको आपने नहीं बुलाया तो जो भाजपा के अंदर भेदभाव की मानसिकता है ये सबसे बड़ा कारण है संजय जी और ये किसी का भला करने वाले लोग नहीं है यह नफरत की फैक्ट्री है इनके मन में ऊंच नीच भेदभाव दलित पिछड़ा यह सब भरा पड़ा हुआ है संजय दलितों तो से पिछड़ों से भेदभाव करते हैं ये लोग मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपको कह रहा हूं और कैसे आप हिंदुओं का भला कर रहे हो भाई क्या भला कर रहे हो हिंदुओं का आप अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हिंदू हो रहा है महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है महंगाई से सबसे ज़्यादा मार हिंदू झेल रहा है अशिक्षा बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा मार हिंदुओं पर स्वास्थ्य की बदहाली होगी तो सबसे ज़्यादा मार हिंदुओं पर किसानों की बदहाली होगी तो सबसे ज़्यादा मार हिंदुओं पर तो हिंदुओं की तो आबादी सबसे ज़्यादा है इस देश में तो जब आप हमारी समस्याओं का ही समाधान नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खाली बातें कर करके कर हिंदुओं के ही अधिकार को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं अच्छा तो तो आप आ... कब तक इस बात को लेकर मूर्ख बनाते रहेंगे इस देश के लोगों को इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इस बार का चुनाव जाति धर्म के नाम पे नहीं हो रहा है महंगाई के बेरोजगारी के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार इनका सामने आया है भारत और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में उसकी रिश्वत में सर से पांव तक डूबी हुई है ईडी का आज छापा पड़ रहा है सीबीआई का आज छापा पड़ रहा है कल बीजेपी को चंदा मिल रहा है आज ईडी का छापा कल बीजेपी को चंदा आज ईडी का छापा कल बीजेपी को चंदा आज इनकम टैक्स का छापा कल बीजेपी को चंदा ये इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आज एक कंपनी आपको चंदा दे रही है कल ठेका पा रही है आज चंदा दे रही है ठेका पा रही है चंदा दे रही है ठेका पा रही है तीन लाख आठ हजार करोड़ रुपए के ठेके आपने अलग अलग कंपनियों को चंदा लेने के बाद रिश्वत लेने के बाद दी है और जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को पांच जजों की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया उस इलेक्टोरल बॉन्ड को हमारे प्रधानमंत्री जस्टिफाई कर रहे हैं एक इंटरव्यू में यह क्या दिखाता है ये इस बात को दिखाता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से ले पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई और इसीलिए मैं बीजेपी के बारे में कहता हूं कि जब भ्रष्टाचार के बारे में भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहे हैं इनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है जी एक जो बात हो रही है कि चूंकि जैसे आम आदमी पार्टी की रीजनल पार्टी है ऐसी कई रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ स्टेट में चुनाव जीते हैं लेकिन बात जब लोकसभा चुनाव की आती है तो ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा और हम किसी ऐसी पार्टी को वोट दें कि जो दिल्ली में सरकार बना पाएगी नहीं पाएगी तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो नेशनल मीडिया परसेप्शन जबरदस्ती का चलाया जाता है जी एक खूबी बताइए जो हमारे प्रधानमंत्री की है जिससे देश का भला हुआ है नोटबंदी से देश का भला हो गया जो आदमी खुलेआम सभाओं में कहता है कि हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है यही तो सोच है उनकी क्या कहते हैं गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शमशान बनाने की कामना एक प्रधानमंत्री कर रहा है स्कूल बनाने बनाने के अस्पताल का कोई विजन नहीं उसके पास समसान बनाना है गांव गांव में तो आप मुझे बताइए जो एक मैं इनको नफरत की फैक्ट्री कहता हूं इस पार्टी को दिन रात जो लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे वो तो ना इस देश में सुकून ला सकते हैं ना अपने घर में अमन चैन और सुकून से रहते होंगे मुझे बिल्कुल भरोसा है इस बात का तो उनके पास विजन क्या है क्या है प्रधानमंत्री जी जो इस देश के लिए कर दिया उन्होंने तीन काले कानून लाए एक साल तक किसानों को सड़क पर बिठाए रखा अग्निवीर लाए चार साल में नौकरी से बाहर करेंगे जवानों को क्या ऐसा काम कर दिया बताइए ना एक रुपए का पेट्रोल भी का सौ रुपए का डीजल भी का ढाई रुपए का सरसों का तेल भी का क्या किया नहीं मेरा जो सवाल आपसे है। आपने यही कहने की कोशिश की जो मीडिया में परसेप्शन चलाया जाता है कि भैया इतने महान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी कि उनके मुकाबले में तो कोई है ही नहीं है जी जी नहीं मेरा सवाल उनसे काबिल इंडिया गठबंधन के पास एक नहीं अनेक नेता है और किसी एक नेता के नाम पे मत हो जाएगी आराम से हो जाएगी आराम से हो जाएगी क्योंकि ये जो लोग पूछ रहे आराम हैं आराम से हो जाए इंडिया का फेस कौन है हर नेता इतना काबिल है जो आपको ये ये कभी नहीं कहेगा कि मौसम खराब खराब था तो रडार में नहीं आएगा तो आपको लगता है लैक ऑफ़ इससे तो, तो काबिल है।, है ना नेता कोई इतना हर नेता इस बात इतना काबिल है कि वो कभी नहीं कहेगा कि सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था कभी गया सिकंदर बिहार में तक्षशिला को बिहार में पहुंचाया था कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप बताइए बाबा गोरखनाथ जी की गुरु नानक देव जी की और कबीर जी की एक साथ मीटिंग करा देते हैं प्रधानमंत्री उससे काबिल नेता कोई देश में है ही नहीं है तो आपको लगता है कैसा मीडिया परसेप्शन बनाया जाता है प्रधानमंत्री के बारे में आपको लगता है चुनाव के बाद जो है जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो किसी एक चेहरे पे सहमत हो जाएंगी सहमत हो जाएंगी बिल्कुल सहमत हो चेहरा जाए। इम्पोर्टेंट है चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए लोकसभा चुनाव आपको कितना महसूस होता है आज मुद्दे इंपॉर्टेंट ज्यादा। चेहरे पर वोट दे, दे के लोगों ने देख लिया ना भाई प्रधानमंत्री जी ने मैंने तो आपसे पूछा ना कि कौन सा ऐसा काबिल प्रधानमंत्री होगा जो अपने इंटरव्यू में कहेगा कि मैंने कहा मौसम खराब था रडार में नहीं आएगा तो वो काबिल कहां से हो गए जो ये बताया जाता है कि भैया इनसे काबिल को ना इतिहास का पता है ना भूगोल का पता है नोटबंदी ला आप पूरे देश को लाइन में खड़ा कर देते हो कहते हो थाली बजाओ करोना दूर होगा थाली पीटो करोना दूर होगा और पूरे देश के कहते हैं अरे भाई मोदी से ज़्यादा काबिल इस धरती पे आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ ये क्या है मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूं अगर थाली बजाने से करोना दूर होता है कुछ तो मेडिकल साइंस कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए एक आखिरी ताली थाली, थाली बजा के आप कोरोना दूर कर रहे हैं एक आखिरी आपने देश को मूर्ख बना रखा है एक आखिरी सवाल आपसे जो बीजेपी का एक मॉडल है जो वो सेल हार्ड सेल करने की कोशिश करते हैं मोदी मॉडल है मोदी आम आदमी पार्टी का ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है या फॉर देट मैटर इंडिया अलायंस का मॉडल क्यों जनता जो है आम आदमी पार्टी या विपक्षी दलों को वोट दे आप देखिये देखिए हम ये मानते हैं कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ऐसा अर्थव्यवस्था का मॉडल लाए जिसमें सबकी भागीदारी हो एक ऐसा अर्थव्यवस्था का मॉडल लाए जिसमें सबकी जेब में बचत हो और सब बाजार की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकें आज दिल्ली का मॉडल जिसकी आलोचना करते हैं ये लोग फ्री वीज के नाम पे। भाई जब आप लोगों को सशक्त और मजबूत नहीं बनाएंगे तो वो कैसे बाजार की अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे आपकी एकानमी कैसे आगे बढ़ेगी कै, कैसे पर कैपिटल इनकम इंसान की बढ़ेगी दिल्ली का अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या है बिजली फ्री पानी फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य फ्री ये जो बचत होती है हर घर में बस की यात्रा फ्री इसको क्या करते हैं वो लोग बाजार की अर्थव्यवस्था में खर्च करते हैं तो एकमी चल रही है आप क्या करते हैं सारा पैसा जनता से उठाओ और अपने एक दोस्त को दे दो ये प्रधानमंत्री जी का अर्थव्यवस्था का मॉडल है इससे लोगों का भला नहीं होगा लोग कभी सशक्त नहीं हो पाएंगे जब आपको लोगों को आज पर कैपिटल इन, इनकम के मामले में दिल्ली सबसे आगे आज हमारी स्टेट जीडीपी सभी राज्यों से आगे तो हमारा जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है हम चाहते हैं कि इसका विस्तार पूरे देश में हो जो इंसान की जिंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं वो या तो न्यूनतम दाम में मिलनी चाहिए या फ्री मिलनी चाहिए और जो टैक्स का पैसा है उसका सदुपयोग होना चाहिए जनता के ऊपर वो टैक्स का पैसा ऐसा ना हो कि उठा के आप बैंकों का पैसा टैक्स का पैसा चंद लोगों के ऊपर लुटा दें वो अर्थव्यवस्था बहुत खतरनाक है जो प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं धन्यवाद संजय जी एक बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे हुई आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला सो दिस वॉज मिस्टर संजय सिंह आप एम पी वी हैव हैड ए वेरी फ्री विलिंग चैट विथ हिम ऑन अ वेराइटी ऑफ इशूज एज इलेक्शन एडवांसेज इन न्यू स्टेजेज विल हैव मोर मोर गेस्ट टिल देन गुड बाय